हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमी में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो मेथड आगे पढ़ चुके हैं, जो आगे के लेक्चर में आपको मिलेगी, वो देख लेना, नहीं देखा है तो। आज थर्ड मेथड पढ़ेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक या क्या बोला जाता है, पॉइंट मेथड, कि जिसके थ्रू आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इस डिमांड में, इस मेथड में आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इलास्टिसिटी कैन बी मेजर बाय टेकिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। मीन स्ट्रेट लाइन डिमांड जो कर्व है उसमें जो पॉइंट है, उस मेथड के थ्रू आप क्या फाइंड कर सकते हो, ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ई इक्वल टू लोअर सेगमेंट साइज और अपर सेगमेंट साइज, मींस लोअर पार्ट में जो साइज हो और अपर पार्ट में हो। सपोज हम 1, 1, 1 और 1 मीन टोटल 4 नंबर दे दे, तो आपको पता चलेगा इलास्टिसिटी ऑफ कितनी होती है। तो चलो पहले ए, पॉइंट ऑफ ए को डिनोट करो और वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है। तो पहले क्या है, लोअर सेगमेंट साइज, तो लोअर सेगमेंट साइज के लिए कितना है, 1, 2, 3 और 4 ये हमने सपोज किया हुआ है, टोटल कितना है 4। और जो अपर सेगमेंट है वहां पे तो कुछ है नहीं, मीन क्या हुआ, 0 हुआ। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी डिवाइडेड बाय 0, मीन किसी भी की किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, क्या होगी, इंफिनिटी होगी, राइट। तो एक ए पॉइंट के थ्रू इलास्टिसिटी हुई ई, राइट। अब दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट। चलो बी पॉइंट में देखे तो कितनी इलास्टिसिटी होती है वो देखे, बी पॉइंट के लिए तो बी इलास्टिसिटी देखे तो लोअर पार्ट देखो, लोअर पार्ट में कुछ है नहीं है, लोअर पार्ट में नहीं है ना कुछ, देखो नीचे की, बी के नीचे की साइड कुछ नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 0। और बी के अपर पार्ट में देखो तो 1, 2, 3 और 4, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0 डिवाइडेड बाय ए बी, मीन्स कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब एस ले लेते, चलो एस है तब इलास्टिसिटी कितनी होगी वो देखते हैं। एस के लिए तो एस के लोअर पार्ट में देखो 1, 2 और 3, राइट, जिसको हम क्या बोल सकते हो, एस से लेके बी तक, एस बी, राइट। अब एस के अपर पार्ट में देखो तो 1 है, मीन इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 की वैल्यू पे 1 में कैसा हुआ, मोर देन 1 हुआ, तो यहां पे इलास्टिसिटी क्या हुई, मोर देन 1 हुई, राइट। अब देखते हैं ई, ई को डिनोट करके हम लिखे इलास्टिसिटी, ई पॉइंट ऑफ व्यू को, तो कैसे देख सकते हो, ई बी लोअर पार्ट में ई बी जो कितना है, 2 है, और यहां पे ई ए वो भी कितना है, 2 है, और 2, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1। तो इलास्टिसिटी कितनी होगी यहां पे, 1 होगी, राइट। अब पॉइंट ऑफ कौन सा देखें, टी, तो टी की इलास्टिसिटी देखे तो कितनी होगी, टी बी पहले तो लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट में कितना, टी ए, टी ए मीन्स 1/3, इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1, कितनी होगी, लेस देन 1। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए ओनली यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ओके ना। तो ये हुआ क्या, ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड, और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो भी इजीली कर सकते हो, जैसे कि ई इक्वल टू इंफिनिटी का होता है, ऐसे करो तो इंफिनिटी होता है, ओके। और 1 बी है तो कितना है, 0, 0 का वैसे होता है, और 1 के लिए करोगे एस है तो एस क्या है, ग्रेटर देन 1, फिर ए और फिर ए, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक बात किसकी हुई, ज्योमेट्रिक एंड पॉइंट मेथड की। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे के लेक्चर में हमने 3 मेथड कंप्लीट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, प्रोपोर्शनल मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड जिसको हम पॉइंट मेथड बोलते हैं, जो लास्ट हमने पढ़ा,
और उसके आगे हमने पढ़ा एक और मेथड, तो टोटल हमें कितनी मेथड पढ़ी, तीन मेथड पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो पहला जो सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो कौन सा है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि नेसेसरी वाली है, नेसेसरी मीन्स जो चीज हमें चाहिए ही, कितनी भी प्राइस हो तो भी, जैसे कि फूड, फूड में वीट है, राइस है, उसकी प्राइस बढ़ जाए तो भी हमें चाहिए, मीन्स उस टाइम इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन वन होगी, मीन्स आपको किसी भी प्राइस के ऊपर उसको परचेस करना ही पड़ेगा, मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम, नेसेसरी। दूसरी लग्जरी, अब लग्जरी गुड्स किसको बोलते हैं, जैसे कि ओडी है, एप्पल है, आईफोन जो हम खरीदते हो है, या कोई बेंच कार है, तो वो सब कैसी चीजें है, लग्जरी, मीन्स उसकी प्राइस बढ़ेगी और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, पर किसके लिए बढ़ेगी, जो हाई इनकम अर्न करता है उसके लिए ही बढ़ेगी, मीन्स उस टाइम इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर देन वन होगी। दूसरा है कंफर्ट, आपको कंफर्ट चाहिए, जैसे कि घर में कंफर्ट लाने के लिए आप क्या परचेस करते हो, फर्नीचर, सोफा, तो वो चीज कैसी है, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो उसको परचेस करोगे, बट आप कंफर्टेबल के लिए परचेस करोगे तो उस टाइम इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन वन होगी। वैसे ही सब्स्टिट्यूट, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता है, जैसे कि टी एंड कॉफी, दोनों से रिलेटेड, टी की प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी तो आप क्या परचेस करना स्टार्ट कर दोगे, कॉफी को परचेस करना स्टार्ट कर दोगे, तो वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, मीन वहां पे भी इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। अब लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स क्या था, जो एक साथ रिलेटेड हो, जैसे कि पेट्रोल एंड कार, डीजल एंड कार, पेन एंड रिफिल, तो एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट वो चीज उसके साथ चाहिए ही आपको, इसी वजह से इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन वन होगी। ओके, तो ये हुआ नेचर ऑफ कॉमोडिटी के हिसाब से फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा पोस्टपोन ऑफ डिमांड, डिमांड को क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, जैसे कि आप कार खरीदने गए और कार की प्राइस पहले 10 लाख रुपीज थी और बढ़ के वो 11 लाख हो गई, तो आप क्या बोलोगे, एक साल के बाद खरीदेंगे, ओके, जब प्राइस कम होगी तब, बट आप माचिस खरीदने गए और माचिस के 0.25 पैसे बढ़ गए तो आप उसको पोस्टपोन करोगे नहीं, मीन्स डिपेंड करता है, नेसेसरी वाली चीज है कि अननेसेसरी वाली चीज है, तो वैसे ही डिमांड को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, उस टाइम इलास्टिसिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन वन, कार के हिसाब से, माचिस में इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन वन होगी, ओके, क्योंकि वो जरूरी है, इसी वजह से देखो नेसेसरी और कॉम्प्लीमेंट्री, लेस देन वन मीन्स वो हमारी जरूरी है इसी वजह से, और बाकी सब ऐसी है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो। दूसरा है हैबिट्यूटेड गुड्स, अब हैबिट्यूटेड गुड कौन से होते हैं, आपने बोला था उस टाइम टोबेको, सिगरेट, अल्कोहल, उसकी प्राइस जितनी भी बढ़ेगी, मीन्स जिसको हैबिट हो गई वो उसको परचेस करेगा ही, मीन्स इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन वन होगी। दूसरा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में हमने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिया था आगे एसी का, समर है तो एसी की डिमांड ज्यादा होगी, विंटर होगी तो एसी की डिमांड कैसे होगी, कम होगी, मेन टाइम फेवरेबल है तब इलास्टिसिटी मोर देन वन, और टाइम फेवरेबल नहीं है तब इलास्टिसिटी क्योंकि लेस देन वन होगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम फेवरेबल है या अनफेवरेबल है उसके ऊपर। फिर लेवल ऑफ इनकम, अब इनकम तो तीन टाइप की हो सकती है, जैसे कि हाई इनकम, मीडियम और लो, राइट, अब हाई इनकम होगी तो प्राइस कितनी भी बढ़ जाएगी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब मीडियम और लो इनकम वाले लोग होंगे तो उसको प्राइस बढ़ेगी, जैसे कि राइस लेने के उसकी प्राइस बढ़ी तो उसको इफेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ उसकी इनकम कैसी है, लो है, मीन्स मीडियम और लो के लिए इलास्टिसिटी देंगे तो लेस देन वन होगी, बट हाई इनकम वाले के लिए इलास्टिसिटी देंगे तो कैसे होगी, ग्रेटर देन वन होगी। वैसे ही सेम प्राइस ऑफ गुड्स,
तो प्राइस ऑफ गुड्स कैसे हो सकते हैं, हाई मीडियम और लो हो सकते हैं, तो उसमें भी सेम इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, तो हाई गुड्स है मीडियम गुड्स है या लो गुड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात हुई किसकी, फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हुई। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज यही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोला जाता है, प्राइस में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो और उसकी वजह से क्वांटिटी में मींस आपके डिमांड में कितना चेंजेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अभी तक हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, आगे के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट जितनी ज्यादा करोगे उतने अच्छे लेक्चर बनाने की हम क्या करेंगे, ट्राई